हेलो ट्रेडर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। जैसा कि मार्केट ओपन हुआ अराउंड 20,924 पे, उसके बाद सेम कैंडल ने क्लोजिंग दी अराउंड 21,000 के आसपास। सिंगल कैंडल नहीं, जो मोर देन 100 पॉइंट्स का मूव दे दिया और ऊपर के साइड क्लोजिंग दी। उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा और मार्केट में कोई सेटअप नहीं बना है निफ्टी 50 में, तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट पूरा उसी सेम जोन में क्लोजिंग के बाद पूरा मार्केट फंसा रहा और कोई सेटअप भी नहीं बना, और इसके वजह से हमने कोई ट्रेड नहीं किया निफ्टी 50 में। और बाकी बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। जैसा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ओपन होता है अराउंड सेम पॉइंट पे जहाँ पे कल क्लोजिंग दी थी, अराउंड 47,288 के आसपास। और उसके बाद मार्केट एक हाई क्रिएट करता है और वापस से एक बड़ी कैंडल बनाता है, और उसके बाद नीचे एक लो क्रिएट करता है 47,187 का। और इसके बाद इसमें भी कोई सेटअप नहीं बना जैसे कि आप देख सकते हैं वापस से, बट मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, न्यू हाई क्रिएट किया 47,579 का, बट उसके बाद इसमें कोई सेटअप नहीं बना। उसके बाद मार्केट पूरा टाइम यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे कि आप कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट अराउंड 10:45 से पूरा टाइम कंसोलिडेशन में था, और उसके पहले मार्केट ने थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया था बट कोई सेटअप नहीं बना, तो इसलिए आज ओवरऑल हमने एक भी ट्रेड नहीं किया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल के ट्रेडिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।